गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपका टॉपिक है कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर जितना कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल बन सकता है मेरी क्षमता के अनुसार मैं उतना बना रहा हूँ। फिर जब चैप्टर समाप्त होगा तो फिर दूंगा न्यूमेरिकल। आपका पहला क्वेश्चन है जो जेई मेन 2016 में आया हुआ था। ये सर्किट आप देख रहे हैं, ये 4 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और सबको 10 वोल्ट, 8 वोल्ट की, सॉरी 8 वोल्ट है भाई, हाँ 8 वोल्ट के सेल से जोड़ा गया है। क्लियर सी बात है कि यहाँ से ज़रा देखिए कि क्यू चार्ज चलेगा, यहाँ बटेगा, इधर आएगा Q1, इधर आएगा Q2। इतना तो बात क्लियर है। और इस पर भी जो पोटेंशियल है, देखो इसको हम प्लस पर 8 वोल्ट और माइनस पर 0 वोल्ट ले रहे हैं, तो यहाँ भी बराबर 8, यहाँ भी बराबर 0, यहाँ भी बराबर 8, यहाँ भी बराबर 0 ले रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो सर्किट अपना हम कंप्लीट किए, लेकिन पूछ क्या रहा है, करा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर बराबर 30 मीटर, वेयर क्यू इजकल टू चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड प्लस 9 माइक्रोफैरड। यानी 4 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड पर जो चार्ज होगा वह उसका सम क्या होगा, चार्ज क्यू होगा। क्लियर सी बात है। तो बेटा ये 4 माइक्रोफैरड यहाँ है और 9 माइक्रोफैरड यहाँ है, इसका मतलब हमको इस वाले कैपेसिटर से कोई मतलब नहीं है। तो अब हम निकाल रहे हैं, जरा देखिए पहले ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में C1 प्लस C2 हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ ये 4 माइक्रोफैरड है और 9 3 12, इसकी जगह पर हम 12 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा दे रहे हैं। ये चलिए 8 वोल्ट से हमने इसको जोड़ दिया। क्या जोड़ना क्या दिखाएं, यहाँ भी बराबर क्या है 8 और यहाँ भी बराबर क्या है 0। क्लियर सी बात है। अब इसमें चार्ज कितना फ्लो कर रहा है दोनों कैपेसिटर में चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, तो क्यू बराबर क्या होगा, क्यू बराबर CV। इन दोनों का रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा, इक्विवेलेंस पोटेंशियल कितना होगा, तो 1/C बराबर 1/4 प्लस 1/12 होगा। एलसीएम कितना आया, 12, 4 3 12, 12 4/12 बराबर 1/3, यानी C बराबर कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। और यहाँ पर जो चार्ज, मान लीजिए यहाँ पर चार्ज क्या है, Q2 चार्ज है, क्या है Q2, तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा C-V, C- 3 है, V कितना है भैया 8 और 0 है, विभवांतर 8 हुआ, 8 माइनस 0 8 हुआ 8, बराबर 24 माइक्रोफैरड। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर कितना आया, इस पर माइक्रोकूलम, इस पर आया 24 माइक्रोकूलम। ना, और इस टोटल कॉम्बिनेशन पर भी आया क्या 24 माइक्रोकूलम, क्योंकि अगर इस पर 24 माइक्रोकूलम है इस पर भी 24 माइक्रोकूलम होगा। अब ये 24 माइक्रोकूलम 12 माइक्रोफैरड
पर है। इसका मतलब ये जो 24 माइक्रो कूलाम चार्ज है ये 3 माइक्रो फैरड और 9 माइक्रो फैरड पर है। अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया कि 24, चलिए एक काम कर, क्या सी डैश तू निकाल लिया 3, क्यू टू निकाल लिया 24, कोई बात नहीं है। अब हमको क्या करना होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा हमको। ये वी वन है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वी टू हो जाएगा। तो वी वन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू टू अपॉन सी डैश। क्यू टू कितना आया भैया, 24। सी डैश कितना आया, 3 बराबर 8 वोल्ट। कितना आया, ये आ गया 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट आ गया। तो वी टू बराबर कितना हो जाएगा भैया, 8, सॉरी यार गलत आ रहा है, 8 वोल्ट तो पूरा आ गया, गलत कर रहा हूं मैं। वी वन निकाल रहा हूं ना, तो सी डैश नहीं होगा अपान सी होगा, तो यहाँ 4 होगा, क्या होगा 4, ये क्या हो गया 6। तो वी टू बराबर क्या हो जाएगा भैया, 8 माइनस 6 बराबर 2 वोल्ट, 8 माइनस 6 बराबर 2 वोल्ट। अब बताइए चार्ज ऑन नाइन माइक्रो कैपेसिटर ऑफ दिख रहा है कि नहीं, हाँ कैपेसिटर ऑफ 9 माइक्रो फैरड इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज करा है तो क्या होगा, सी इंटू वी टू। सी कितना है 9, वी टू कितना है 2, बराबर कितना आया 18 माइक्रो कूलम। अब क्यू पर क्यू बराबर क्या हुआ बेटा, क्यू बराबर 4 माइक्रो फैरड पर आवेश, तो 4 माइक्रो फैरड पर आवेश कितना है 24 माइक्रो कूलम ना, तो 24 माइक्रो कूलम प्लस 9 माइक्रो फैरड पर 18 माइक्रो कूलम। ये कितना हुआ भैया बराबर, 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42 माइक्रो कूलम बराबर हुआ, 42 × 10⁻⁶ कूलम ये हुआ, मतलब क्यू बराबर। तब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा भैया, 1/4 πε₀ क्यू अपान आर स्क्वायर। तो 9 × 10⁻⁹ ये कितना हुआ, 42 × 10⁻⁶ बटे आर स्क्वायर 30 × 30, 30 × 30। अब इसको हमको हल करना है भैया, तो तीन दहा में 30, 3 3 9, 3 1 3, 3 दहा में 30, ये कितना हुआ, 42 × 10³ 6 3 9 बटे 10 दहा में 100, 10² बराबर कितना हुआ बताओ, 42 × 10, 42 × 10 न्यूटन, यानी 420 न्यूटन प्रति कूलम। कितना आया, 420 न्यूटन प्रति कूलम। लेट मी चेक द आंसर प्लीज, व्हाट आई हैव सॉल्व, जो मैंने सॉल्व किया है यह सही है, 420 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, नोट करें प्लीज इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, जेईई मेन 2019 का है,
सेम पिछले जैसा सवाल है, ये सेम सवाल है। इस पर कर आप फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर आप 4 माइक्रोफेरड, इस पर चार्ज कितना होगा? सो इजी यार, सो इजी। क्या ये 4 माइक्रोफेरड का है? बोलो, कह दो हाँ। ये 5 1 6 माइक्रोफेरड का हुआ, कह दो हाँ। यहाँ भी बराबर कितना भैया? भी बराबर 10, यहाँ भी बराबर 0। इसको 10 मान लो, इसको 0 मान लो। बोलो भाई, यहाँ भी बराबर 10 और भी बराबर 0। तो जो धारा बहेगी वो दोनों में तो एक ही धारा बहेगी। बोलो भाई, दोनों में तो एक ही धारा बहेगी। तो पहले सी डैश निकाल लो भैया, 1/C = 1/4 + 1/6। LCM कितना आया? 12, 4 3 12, 6 2 12, 5/12। सी डैश बराबर 12/5, 5 51 5 5 2 10, 5 4 20। सी डैश बराबर आ गया इतना माइक्रोफेरेड। ओके, अब ठीक है। अब क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सी डैश वी बराबर, सी डैश कितना हुआ? 2.4, वी कितना हुआ? 10, बराबर 24 माइक्रोकूलाम। अब यही 24 माइक्रोकूलाम इसमें बहेगा और इसमें भी कुल मिलाकर कितना बहेगा? 24 माइक्रोकूलाम। अगर इसमें 5 या 1 पर पूछा होता तो फिर V1 V2 निकालते हम, लेकिन सीधे 4 पर पूछ दिया तो इस पर भी कितना जाएगा? ये 24 माइक्रोकूलम का, क्योंकि ये सीरीज में है ना। अगर यहाँ से Q निकला, Q बराबर कितना निकला? 24 माइक्रोकूलम। तो परिपथ में एक ही रास्ता तो है बहने का, तो जो इस पर वही इन दोनों पर, जो इस पर वही इन दोनों पर। ठीक है, चार्ज तो उतना ही रहेगा। तो 4 माइक्रोफेरेड पूछा है तो 4 माइक्रोफेरेड का निकल गया। बहुत ईजी था, इसको हम छोड़ सकते थे, लेकिन वही हाल है कि कौन ये YouTube का चैनल है, कौन ये कबाहट झंझट मोल ले कि चलो भाई फिर से एक वीडियो जारी करूं। अब हम जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, वह बेस्ड है वायर कनेक्टिंग टाइप न्यूमेरिकल, जब कैपेसिटर जुड़े हों और उसमें तार भी जुड़ा हो। ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। डेल वी एट एवरी पॉइंट ऑन वायर विल बी सेम इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ज्वाइन अपॉन इट। अगर तार पर यह तार है, इस पर कोई भी विद्युत उपकरण नहीं लगा है, तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? समान होगा। इसकी हिंदी मीनिंग ये हुई कि यदि तार पर कोई वैद्युत उपकरण न लगा हो तो उसके हर बिंदु का पोटेंशियल क्या होगा? समान होगा। अरे हम डल भी न कहें यार, वी कहें। पोटेंशियल मतलब विभव, पोटेंशियल मतलब विभव, क्योंकि एवरी पॉइंट दिया है ना, तो एक पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। यदि तार पर कोई भी विद्युत उपकरण न लगा हो तो तार के हर बिंदु का विभव क्या होगा? समान होगा। ये पहली लाइन का हिंदी मीनिंग हुआ। और जब हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वी विल कंसीडर, हम मान लेंगे कि R = 0 या रेजिस्टेंस ऑफ वायर = 0। और हम ये भी मानेंगे कि जो तार हमने जोड़ा है उसका रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध क्या है? 0 है। हम मानेंगे, वी विल कंसीडर, हम मानेंगे कि तार का प्रतिरोध क्या है? 0 है। पहले आप इसको नोट कर लें कायदे से, तब सवाल 2-3 सवाल कराता हूँ इस पर। चलिए भाई, क्वेश्चन आपका आ गया
ए और बी के बीच तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं, तीन संधारित्र लगे हुए हैं, दो माइक्रोफैरड, तीन माइक्रोफैरड, एक माइक्रोफैरड का। करा फाइंड सी ई, फाइंड सी ई। अब आप कहेंगे सर क्या एकदम पागलपना सवाल बता रहे हैं आप, कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अरे तीन दो पाँच एक छः, हमने कहा अच्छा, हम कहा तीन दो पाँच दो छः बता रहे हो, चलो भाई ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, अब देखो एक वायर है, एक वायर है जो यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है, और एक वायर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कनेक्टेड है, ठीक है। अब बताओ भैया, अब बताओ इसका इक्विवेलेंस पोटेंशियल क्या होगा। अच्छा ठीक है, ये वायर है, इस पर देखो कोई विद्युत उपकरण लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल, हर बिंदु का विभव समान होगा कि नहीं होगा, होगा, लिखवाए थे। अगर इसका वी है, इसका क्या हो जाएगा भैया, वी, बोलो भाई, क्योंकि ए का विभव वी लिया है हमने, बी का विभव क्या लिया है, जीरो पोटेंशियल। अच्छा अब कहेंगे साहब इस, अब देखिए यह तार है, दूसरा तार है, दूसरा तार है भैया, इस पर भी कोई भी उपकरण नहीं लगा हुआ है, कोई भी विद्युत उपकरण नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। और चूंकि यहाँ जीरो के पास जुड़ा हुआ है तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो, यहाँ इसका पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो, ठीक है। अब लगाओगे, बोलो, तीन आपके कैपेसिटर हैं, तीन कैपेसिटर हैं, बोलो, पहला कैपेसिटर देखो वी और जीरो के बीच में, वी ये दो ही है, एक पोटेंशियल वी है, एक पोटेंशियल क्या है, वी है, दूसरा पोटेंशियल क्या है, जीरो है, बोलो यार। यह देखो पहला कहाँ लगा हुआ, आपका पहला कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है, वी और जीरो के बीच में, चलो भाई वी और जीरो के बीच में हमने लगा दिया। फिर दूसरा कहाँ लगा हुआ है, जीरो और वी के बीच में, हमने कहा चलो भाई इसको भी हम जीरो और वी के बीच में लगा देते हैं, लगा दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दूं यार, अभी लिखना पड़ेगा माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड में हो जाएंगे हम फैरेड, चलो दूसरा वाला जोड़ दिया, यह कितना था, दो माइक्रोफैरेड, यह कितना था, तीन माइक्रोफैरेड। अब देखो जो तीसरा है, ये तीसरा, ये भी और जीरो के बीच जुड़ा हुआ है ना भाई, देखो ये पॉइंट मिल गया यहाँ पर, ये पॉइंट से पॉइंट लेंगे ना, पॉइंट से पॉइंट लेंगे ना, पॉइंट से पॉइंट लेंगे ना, देखो अब यहाँ शुरू किए, यह पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट के बीच में ये है, यहाँ से शुरू किया यहाँ पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट के बीच में ये है, यहाँ से शुरू किया इस पॉइंट में गया, यहाँ ये है, तो तीसरा भी किसके भैया कहाँ है, ये जीरो और वी के, वन माइक्रोफैरड, बोलो यार। अच्छा यहाँ तो सीरीज में था, सॉरी वहाँ मैं गलत बोल गया था शुरू में कि दो तीन पाँच एक छः, नहीं नहीं, एक बटा दो धन एक बटा तीन धन एक बटा एक आप बोलते, अगर ये वायर ना लगा होता तो ना। अब सी ई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तीन, अब भाई यही कहेंगे ना, सी वन धन सी टू धन सी थ्री बराबर क्या, वन प्लस टू प्लस, नहीं सर यार, थ्री प्लस टू प्लस वन बराबर सिक्स माइक्रोफैरड। जरा सोचिए, अगर ये तार न लगा होता तो आप कहते कि वन अपान सी ई बराबर वन अपान टू प्लस वन अपान थ्री प्लस वन अपान वन, ये करते आप, अगर ये तार न लगा होता तो, तार तो लगा है तो आपको ये करना पड़ा, ठीक है।
नोट करें प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया क्या कि 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड। देखो पहले मैं तार हटा रहा हूँ, ये ऐसे जुड़े हूँ ना, और पॉइंट भी यहाँ दिया हो, का रहा है सी बराबर क्या होगा। तो 1/CE बराबर कर देते क्या, 1/2 + 1/4 + 1/5 + 1/3 करते कि नहीं करते। लेकिन मजबूरी यहाँ हमारी क्या फंस गई कि यहाँ पर क्या तार लगा रखा है यार, बहुत गड़बड़ काम किया है, बहुत ही गड़बड़ काम किया है। क्या लगा रखा है, तार, क्या लगा रखा है, तार लगा रखा है। नहीं यार सॉरी, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ तार लगा रखा है और ए और बी के बीच का यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, इसके बीच का इक्विवेलेंस पोटेंशियल कितना है, तुल्यधारिता कितनी है। ये भैया हो एक तो सेल अपने मन से जोड़ दो ना, चलो ए भी है और इसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो ए भी पर है, बोलो भाई। अब इस पर कोई वायर कनेक्ट, सॉरी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, विद्युत उपकरण इससे जुड़ा नहीं है, इसके ऊपर जरा देखो कहीं पर है क्या, नहीं है। तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, वी। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, वी। ये 0 है, इस तार से भी कुछ नहीं, इस तार के ऊपर भी कोई भी उपकरण नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। अब आओ देखो, पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये, यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल गए, वी और 0 के बीच में कितने, कि वी और 0 के बीच में कितने, कितने, 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, ये 2 माइक्रोफैरेड का, ये 4 माइक्रोफैरेड का, ये 5 माइक्रोफैरेड। यार एलसीएम निकालने में दिक्कत होगी क्या, बीच से कोई दिक्कत नहीं होगी, माइक्रोफैरेड का। ये क्या है, वी है, ये क्या है, 0 है, ठीक है। अब बचा रहा एक, 3 तो हो गया, 1, 2, 3 जुड़ गया ये सब। अब ये देखो जो तीसरा है, 3 माइक्रोफैरेड वाला, चौथा जो कैपेसिटर है, ये 0 भी के बीच जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये बेचारा अकेले यहीं रहेगा, हो गई अलगाव जी ना। ये कितना है, 3 माइक्रोफैरेड। अब तो निकाल सकते हैं आप लोग, ये सीरीज में है, सीरीज में है, तो 1/C' बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/4 + 1/5 बराबर एलसीएम कितना हो गया, 20, 2 × 20, 10, 4 × 5 = 20, 5, 5 × 20 = 4, तो 10, 5, 15, 4, 19, 19/20, तो C' बराबर क्या होगा, 20/19, C' बराबर 20/19 हो गया। अब बताइए, अब ये तो हो गया 20/19, 1/2, 1/4, 2 × 20, 10, 4 × 5 = 20, चलिए C' तो हो गया भैया। अब इसकी वैल्यू हो गई 20/19 क्या, माइक्रो फैरड, ठीक है। अब ये और ये दोनों किस क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं, तो CE = 20/19 × 3/1, 19 × 57, 20 × 57/19, तो कितना हुआ, 77/19। ये अपना डेसिमल में कैलकुलेट करके इतना माइक्रोफैरेड आप रख लीजिए। रही बात ये कि ये जो क्वेश्चन है ये काल्पनिक था, ये जो धारिता लिए थे अपने मन से लिए थे,
ठीक है, तब थोड़ा सा उल्टा सीधा आंसर आएगा। उल्टा सीधा आंसर क्या आएगा, वही कि अब दशमलव में आएगा और क्या। नहीं तो अगर सोच समझ के लिए होते, सोच समझ क्या लें, हमको क्या पता था क्या आएगा। ये 77 में को अगर डिवाइड करते हैं किससे, 19 से, कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं तो 4.05, कितना, ये 4 माइक्रोफैरड अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स कितना, 1976 ना, लगभग 4 माइक्रोफैरड ये आएगा। ठीक है, लगभग 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, नोट कर लें प्लीज इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह कैपेसिटर हैं, छह संधारित्र हैं, सबको सीरीज में जोड़ दिया गया। इस बार हमने सबकी धारिता 4 माइक्रोफैरड ले ली, इससे कैलकुलेशन में हमको दिक्कत ना हो, और अलग अलग देगा तो आप लोग तो माहिर हैं, कर लेंगे। चलिए, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इसको एक सेल से जोड़ दिया गया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है, यानी ये वी है, ये जीरो है, तो इसका ए का पोटेंशियल क्या होगा, वी, और बी का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, जीरो। ठीक है, अब ये अगर वी है, अब कोई तार न, कोई उपकरण इससे नहीं जुड़ा हुआ है, अगर ये वी है तो ये कितना हो जाएगा भैया, वी, बोलो भाई, काम खत्म, यहाँ से तो जोड़ दिया। अब यहाँ का पोटेंशियल हमको पता नहीं, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, अगर यहाँ का पोटेंशियल पता होता तो यहाँ का कर लेते ना, अगर यहाँ का कर लेते तो फिर यहाँ का हो जाता। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसको जीरो मानिए, अरे भाई जीरो कैसे मानूं, बीच में ये आ गया है बेचारा, 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, अगर ये ना होता तब यहाँ क्या होता, जीरो, क्योंकि ये 4 माइक्रोफैरड का है इसीलिए पोटेंशियल बदल गया। पहला पॉइंट लिखा था कि अगर तार में कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, विद्युत उपकरण न जुड़ा हो तब पोटेंशियल हर पॉइंट का क्या होता है, सेम होता है। यहाँ तो पोटेंशियल, यहाँ तो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तब तो ये जीरो है, इसका तो, इसका तो कुछ और होगा। तो मान लेता हूँ कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, एक्स, बोलो, तार तो वही है, देखो तो यहाँ तक चला आया है, अगर इसका एक्स है फिर इसका क्या हो जाएगा, एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स, क्योंकि इसमें भी कोई चीज जुड़ा नहीं है। चलो भाई, पहला पॉइंट वी और एक्स, चलो यहाँ हमने लिया वी, यहाँ लिया हमने एक्स, वी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, 4 माइक्रोफैरड का है, पता है आपको, सबको पता है 4 माइक्रोफैरड का, और यक्स, आप देखो दूसरा पॉइंट क्या है, यक्स और वी, यहाँ देखो यक्स और वी ना, यक्स और वी, तो यक्स और वी के बीच फिर वही एक ठो जुड़ गया, क्या, कैपेसिटर आपका, ठीक है, यक्स और वी के बीच में ये, फिर वी और यक्स के बीच में फिर एक कैपेसिटर ये जुड़ गया, सब 4 माइक्रोफैरड के हैं। अब चलो, और यक्स और यक्स के बीच में यहाँ जब पोटेंशियल जीरो हो गया ना बेटा, यक्स और यक्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इसके बीच जितने भी कैपेसिटर हैं सब निरर्थक हैं, कोई मतलब उसका नहीं है, इनको लगा हुआ माने न माने कोई मतलब नहीं है इसका, ये निरर्थक हो गया, क्योंकि विभवांतर क्या है, जीरो है, कुछ भी निकालेंगे जीरो आएगा, समझ गए ना, कुछ भी निकालेंगे जीरो आएगा, यह तो बेकार हो गया। अब देखिए जीरो और यक्स के बीच में ये वाला लगा हुआ, ये दोनों तो बेकार हो गए,
ये वाला जीरो और यक्स के, जीरो और यक्स के बीच में जुड़ा हुआ है। चलो भैया ये तो यक्स था, यहाँ एक कैपेसिटर हमने लगा दिया, ये जीरो, सॉरी पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल कितना है जीरो, ये 4 माइक्रोफैरेड का है, सब 4 माइक्रोफैरेड के हैं। अब देखो ये तीनों क्या हैं, जरा बताइए, सीरीज में हैं पैरेलल में, अब बताएंगे क्या, या तो मेरे पास तो कोई है ही नहीं, तो चार 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 तीनों क्या है ये पैरेलल में है, तो क्या बन जाएगा इसका, चार तिया 12, ये पॉइंट ए था भैया, तो पॉइंट ए इसको लगा देता हूँ 12 माइक्रोफैरेड, फिर यहाँ पर वी, यहाँ पर यक्स, और यहाँ पर जो है 4 माइक्रोफैरेड का, ये पॉइंट बी, यहाँ पोटेंशियल जीरो। अब हमको क्या करना है भैया, अब हमको तो सीधा सीधा क्या करना है, सी ए बी के बीच का इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालना है ना, 1/CE बराबर 1/12 प्लस 1/4। बोलो भाई सीरीज में हो गए ना सब, तो क्या हो गया, एलसीएम आ गया 12, 12 का नम 12, 4 तिहाई 12 3 ना बराबर 4/12 बराबर क्या हुआ भैया, सी ई बराबर 12/4 बराबर 3 माइक्रोफैरेड, क्या 3 माइक्रोफैरेड आपका आंसर आया, नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6, दुर्भाग्य देखिए कि कैमरा चालू नहीं किया और पूरा पढ़ा डाला। ए बेटा जरा देखो क्वेश्चन में क्या है कि 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड। इसी तरह से ये कैपेसिटर अनंत तक जुड़े हुए हैं, कहाँ तक, अनंत तक जुड़े हुए हैं, ये मतलब सब क्या है, रिपीटिंग कैपेसिटर्स हैं, कैसे हैं रिपीटिंग कैपेसिटर्स, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा अनंत तक ऐसे, तो कैपेसिटर आपको रिपीटिंग मिलेंगे, 2 4 2 4 या 1 2 1 2 3 6 ऐसे कुछ भी मिलेंगे, 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 ऐसे मिलेंगे आपको, रिपीटिंग कैपेसिटर्स मिलेंगे, ये इनफाइनाइट तक जुड़े हुए हैं। ओके, अकराज फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। पहले तो हम मान लेंगे कि लेट इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर बी एक्स, पूरे अनंत तक जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं 2 4 2 4 2 4 सबकी तुल्य धारिता कितनी है, एक्स माइक्रोफैरेड। ओके, अब आप जानते हैं कि जिसे अनंत में से मैं 2 जोड़ दें तभी अनंत आएगा, अनंत में 2 घटा दें तभी अनंत ही आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने किया क्या कि एक सीक्वेंस छोड़ दिया 2 4 वाला, बाकी को एक साथ ले लिया, तो इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी, वही एक्स माइक्रोफैरेड ही होगी, कितनी होगी एक्स माइक्रोफैरेड। अरे अनंत कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर निकल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसकी धारिता को क्या मान लिया, एक्स मान क्या लिया, पूरे का एक्स माना है तो इसका भी एक्स होगा, 2 कैपेसिटर प्रभावित नहीं कर पाएगा इसको। चलिए इसका हमने सर्किट बनाया, क्या बनाया, सर्किट बनाया, तो क्या था 2 4 2 4, फिर इसका क्या आ गया एक्स, क्या आ गया एक्स, अब ये 4 माइक्रोफैरेड और एक्स माइक्रोफैरेड ये दोनों किसमें हैं, सीरीज में है, इसमें है सीरीज में है, तो इन दोनों की तुल्य धारिता क्या होगी, तो 1/CE बराबर 1/4
प्लस वन अपॉन एक्स, एलसीएम आया 4x, मतलब हल करेंगे सी डैश बराबर इतना आ गया 4x अपॉन एक्स प्लस 4। फिर एक नई सर्किट बनाया, इन दोनों की जगह पर, इन दोनों की जगह पर हमने क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया जिसकी धारिता 4x अपॉन एक्स प्लस 4 है। अब देखो ये और ये दोनों समांतर क्रम में हैं, दोनों क्या हैं, समांतर क्रम है, तो सी ई बराबर क्या हो जाएगा 2 माइक्रो फैरड प्लस 4x अपॉन एक्स प्लस 4 माइक्रो फैरड। ओके, अब पूरे सर्किट की तुल्य धारिता कितनी है x, तो हम इसकी जगह पर लिख दिए x, x बराबर, हाँ इसकी वैल्यू क्या ले लिए हम x। तो हाँ यहाँ लिखे यार, तो x बराबर 2 प्लस 4x अपान x प्लस 1, इसको जब हम हल किए तो x बराबर इतना आ गया। और जब इसको हम तोड़े तो हमको एक यह इक्वेशन मिल गया, और इसको जब हम फैक्टराइज किए तो मिला x प्लस 2 x माइनस 4 बराबर 0। अरे भाई गुणा करो ना, x स्क्वायर प्लस 4x इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये, अब देखो पहले हम तो भाई डायरेक्ट कर दिए, अब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ये बराबर क्या हो जाएगा 6x प्लस 8 होगा, और जब इसको बराबर किधर ले आएंगे तो माइनस 6x प्लस 8 होगा, अब 4x माइनस 6x ये 2x इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी 4x माइनस 6x माइनस 2x हो गया और माइनस 8 होगा यार, माइनस 8 बराबर 0। दो संख्या ऐसी ढूंढो कि गुणा करने पर क्या आए, माइनस 8 जोड़ने पर माइनस 2, तो माइनस 4 माइनस 2, 4 दुनी 8 माइनस 8, और माइनस 4 में से 2 निकल गया, 2 जोड़ दिया तो माइनस 2 आया, और फिर इसमें क्या कामन ले लिया x, x माइनस 4, इसमें क्या कामन लिया 2 x माइनस 4, पूरे में क्या कामन हुआ x माइनस 4 और x प्लस 2 बचा। अगर x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 माइक्रोफेरेट, ये इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर का संधारित्र की धारिता नेगेटिव नहीं होती। बराबर बताया गया है फर्स्ट प्लेट के चार्ज को अगर प्लस क्यू है इस पर माइनस क्यू आएगा, तो फर्स्ट प्लेट के चार्ज को ही क्या मानते हैं, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मतलब संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता हमेशा पॉजिटिव होती है, क्या होती है पॉजिटिव। अगर x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, ये हमारा आ गया क्या आंसर। ओके नोट इट प्लीज। अगला क्वेश्चन लगाने के पहले हम व्हीट स्टोन सेट पढ़ेंगे, ये आगे हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी टॉपिक है, आगे मतलब नया चैप्टर ही है। तो व्हीट स्टोन सेट क्या है, अगर चार रेजिस्टेंस को किसी चतुर्भुज की चार भुजाओं द्वारा जोड़ दिया जाए, ठीक है, और उसके विकर्ण पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, इसको सेल से जोड़ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर यह रेजिस्टेंस पी ओम है या कितना है क्यू ओम है या आर ओम है या एस ओम है, अगर पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस होगा तो इस विकर्ण में मान लीजिए ए बी सी डी, इसमें आई बराबर क्या हो जाएगा 0, तो विकर्ण में कोई धारा नहीं बढ़ेगी, मतलब कि इस विकर्ण में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें इस विकर्ण में इस डायगोनल में करंट क्या होगा 0 होगा, इतना जान लीजिए। जैसे एक ले लेता हूं मैं, छोड़ दीजिए, जैसे हमने ले लिया एक एक ओम दो ओम 3 ओम 6 ओम, चलो भाई
ये तो पी की जगह पर है, ये क्यू की जगह पर है, ये आर की जगह पर है, ये एस जगह पर है। तो पी अपान क्यू बराबर क्या, सॉरी पी अपान क्यू बराबर क्या, वन अपान टू, और आर अपान एस बराबर क्या, तीन बटे छः बराबर एक बटा टू। तो पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस हुआ। तो ये मान लीजिए कि ये